आज के वीडियो में आपको काजल अग्रवाल की प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। साउथ इंडियन एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन गौतम किचलू लास्ट ईयर शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के बीच हुई। काजल अग्रवाल ने 18 जून को अपनी 36 ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट की। काजल अग्रवाल अपनी बर्थडे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं और ये दिन वो खास तौर पर सेलिब्रेट करना चाहती हैं। काजल की बहन निशा और काजल आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और दोनों एक दूसरे की एडवाइसेस पर अमल भी करती हैं। निशा चाहती हैं कि काजल अग्रवाल जल्द अज जल्द प्रेग्नेंट हो जाएं और ऐसा वो काजल को उनकी शादी वाले दिन से ही कह रही हैं। निशा ऐसा इसलिए चाहती हैं कि उनका एक 3 साल का बेटा है और निशा का कहना है कि काजल के बेबी के आने के बाद उनके बेटे के साथ कोई खेलने वाला आ जाएगा और दोनों प्ले डेट्स भी कर पाएंगे और साथ में खेल कूद और मस्ती कर पाएंगे। वो सिर्फ अपने बेटे के लिए ऐसा चाहती हैं। निशा का कहना है कि अगर काजल जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो फिर उनके बेटे का और काजल के बेबी का सही से बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों में एज गैप ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वो चाहती हैं कि काजल अग्रवाल जल्दी से बेबी प्लान कर लें और प्रेग्नेंट हो जाएं। काजल अग्रवाल इस बारे में क्या कहती हैं ऐसा काजल ने अभी तक किसी को नहीं बताया। काजल अपनी बहन निशा की हर बात तो मानती हैं लेकिन वो ये बात मानेंगी या नहीं ये पता नहीं। अब देखना है कि काजल अपनी बहन निशा की ये बात मानती हैं या नहीं। आपको काजल और निशा के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।